गुड नून फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, ठीक है। आपके जो है पेपर वन की हम लोग यूनिट कर रहे हैं टू, समीकरण सिद्धांत, ठीक है। समीकरण सिद्धांत या थ्योरी ऑफ इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में जो है हम लोग कर रहे हैं कार्डन मेथड यानी कि कार्डन विधि। कार्डन विधि क्या है? किसी भी जो है त्रिघात यानी कि क्यूबिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन फाइंड करने का जो मेथड है, ठीक है, कौन सी, जिसमें जो है सेकेंड टर्म जो है वो नहीं है, ठीक है, जिसमें जो है यहाँ पे सेकंड टर्म जो है वो नहीं है। ऐसी समीकरण को हल करने के लिए जो है कार्डन ने जो है एक विधि दी थी, उस विधि को जो है हम लोग उसके नाम से ही कहते हैं कार्डन विधि। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए थे और इन्हीं में से जो है कुछ एक अलग तरह का क्वेश्चन जो है मेरे पास, वो मैं आपको करवाती हूँ। देखेंगे कि किस तरह से जो है इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे यूनिवर्सिटी के ही आ रहे हैं, तो एक्स क्यूब माइनस 3x+1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले जब भी इक्वेशन आपके पास आती है तो आप क्या करोगे, कहोगे कि माना इसका एक हल x इज इक्वल टू यू की पावर 1/3 वी की पावर 1/3 है, ठीक है। एक सॉल्यूशन जो है हम अपनी तरफ से जो है मान लेते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से मान लेते हैं, और फिर जो है जो हमने माना था उसी का ही हम लोग क्या कर लेते हैं, क्यूब कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा u प्लस वी। अब जो है मैं क्या कर रही हूँ कि ये इक्वेशन जो है डायरेक्टली लिख रही हूँ। पहले बार जो है मैंने करवाया था, आपको पूरा सॉल्व करके बताया था कि कैसे करना है, उसके बाद जो है यहाँ पे मैं सीधा ही जो है ये डायरेक्ट लिख रही हूँ। ये तो x ही है, आप देख ही रहे हैं, x क्यूब u प्लस वी 3 u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 x, और x क्यूब माइनस 3 u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 x, और माइनस u प्लस वी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इस तरह की इक्वेशन बन जाती है। अब जो है इस इक्वेशन का जो है हम लोग क्या करेंगे, हमारी इक्वेशन जो दी हुई है, हमें जो सॉल्व करने के लिए दी हुई है, उसके साथ जो है इसका कंपैरिजन होगा। तो कंपैरिजन करने से हमें पता चला कि माइनस 3 यू की पावर 1/3 वी की पावर 1/3 इज इक्वल टू जो है आता है माइनस 3, और यहाँ पे जो है माइनस यू प्लस वी इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो अगर हम लोग देखें तो u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 इज इक्वल टू आ जाएगा ओनली 1, तो u इंटू वी इज इक्वल टू 1 और u प्लस वी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस 1। अब जो है दो नंबर u और v ऐसे हैं जिनका सम जो है वो माइनस 1 है और जिसका प्रोडक्ट जो है वो क्या है, 1 है, इस तरह से हमें दिए हुए हैं, ठीक है, इस तरह से दिए हुए। तो अब जो है एक ऐसी हम लोग द्विघात समीकरण लेंगे, एक ऐसी माना u व v द्विघात समीकरण t स्क्वायर माइनस u प्लस वी t प्लस u इंटू वी इज इक्वल टू 0 के मूल है। ये हम लोग जो है अपनी तरफ से एक इक्वेशन ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं, टी स्क्वायर यू प्लस वी की वैल्यू कितनी है, माइनस, और यहाँ पे माइनस तो ये प्लस आ गया, और यू इंटू वी की वैल्यू भी जो है कितनी है, 1 है, ठीक है। अब इसके जो है फैक्टर तो हो नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, श्रीधराचार्य से जो है इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। माइनस 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू माइनस 1 और प्लस माइनस आयोटा और √3/2, माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा √3/2 आ जाएगा। अब जो है यहाँ पे जो है एक को जो है हम लोग u मान लेंगे, एक को v मान लेंगे, देखिए किस तरह से u इज इक्वल टू जो है हम लोग लेंगे माइनस 1 प्लस आयोटा √3/2 और v इज इक्वल टू लेंगे माइनस 1 माइनस आयोटा √3/2,
टू, ठीक है। अब जो है यू की पावर 1/3 यानी कि -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 की जो है पावर कितनी आ जाएगी, 1/3, ठीक है। अब जो है मैं क्या करूंगी कि इसको जो है अलग अलग लिख लेती हूँ, अलग अलग रूप, यानी कि रियल को अलग और इमेजिनरी पार्ट को अलग लिख लेती हूँ। ये हो जाएगा -1/2 और आयोटा, और ये रूट 3/2 की पावर 1/3, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है मैं क्या लिखूंगी, कॉस और साइन में लिख देती हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस 2π/3 और ये हो जाएगा आयोटा और साइन 2π/3, ठीक है। कॉस 2π/3 की वैल्यू जो है -1/2 होती है और इसकी जो है क्या हो जाएगी, प्लस जो है में आ जाएगा √3/2, ठीक है। ये हो गया। अब जो है मैं आपके 12th की में जब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसके फॉर्मूले पे जाती हूँ। तो कभी भी जो है अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जो जिसको हम लोग जो है कॉस और थीटा में अगर लिख सकते हैं, ठीक है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसका जो है अगर एंथ रूट आपको फाइंड करना है, ठीक है, अगर इसका एंथ रूट अगर आपको फाइंड करना है तो जो है क्या होगा कि यहाँ पे जो है उसको किस तरह से लिखते हैं कि सबसे पहले जो है ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला जो है आपको नोट भी करना है, कॉस 2m π प्लस थीटा अपॉन एन, ठीक है, और प्लस यहाँ पे आयोटा साइन 2m π प्लस थीटा अपॉन एन, वेयर m की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, m की वैल्यू जो है 0 से स्टार्ट होगी और वो जो है n-1 तक जाएगी, ठीक है। m की वैल्यू जो है 0 से स्टार्ट होगी और वो कहाँ तक जाएगी, n-1 तक जाएगी। ये फॉर्मूला जो है आपने जब भी 12th में जो है आपने किया होगा, तो इसी का ही जो है यूज मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे लिखना है आपको cos, और ब्रैकेट में आपका थीटा क्या है यहाँ पे 2π/3, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 2, यहाँ पे 2m π + 2π/3 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। फिर प्लस आयोटा साइन 2m π + 2π/3 अपॉन 3, ये तो आपकी आ गई कौन सी, U की वैल्यू, ठीक है। अब जो है उसी तरह से जो है V की वैल्यू लिखनी है, तो चलिए V की वैल्यू लिखते हैं। V की पावर 1/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां पर, देखिए -1 माइनस आयोटा √3/2 की पावर 1/3, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा -1/2 माइनस आयोटा √3/2 की पावर 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे जो है प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस 2π/3 माइनस आयोटा साइन 2π/3 की पावर कितनी आ जाएगी, 1/3। फिर उसी फॉर्मूला का मैं यहाँ पे यूज करूंगी, तो ये आ जाएगा कॉस 2m π + 2π/3 अपॉन 3 और प्लस आयोटा साइन 2m π + 2π/3 अपॉन 3, माइनस आएगा यहां पर, अगर यहां पे प्लस था तो प्लस था और माइनस है तो यहां पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो m की वैल्यू अब दोनों के लिए जो है m की वैल्यू कहां से कहां तक लिखोगे आप, m की वैल्यू 0, 1, 2 और m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, 1, 2 तक जाएगी। अब u की पावर 1/3 और v की पावर 1/3 जो है दोनों ही
तो हमने दोनों ही फाइंड कर लिए, ठीक है। तो अब जो है क्या लेंगे, m इज इक्वल टू जीरो और दोनों को ऐड कर देंगे, फिर लेंगे m इज इक्वल टू वन। तो इस ऐसे करने के बजाय हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले तो दोनों को जोड़ लेते हैं। तो पहले एक एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, चलिए कर लेते हैं। और उसके बाद हमारी इक्वेशन कौन सी है, त्रिघात समीकरण यानी कि क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन यानी कि इसके तीन रूट्स होने चाहिए। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं कि वो कौन कौन से तीन होंगे। x इज इक्वल टू यू की पावर 1/3 और v की पावर 1/3। यहाँ पे जो है ये दोनों मैंने फाइंड कर लिए हैं, ठीक है, दोनों फाइंड कर लिए, तो दोनों को लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा cos, यहाँ पे 2m पाई प्लस 2π/3 अपॉन 3 प्लस आयोटा साइन 2m पाई प्लस 2π/3 अपॉन 3, ठीक है, और प्लस कॉस 2m पाई प्लस 2π/3 अपॉन 3 और माइनस आयोटा साइन 2m पाई 2π/3 और आ जाएगा अपॉन 3। तो ये दोनों जो है आपस में कैंसिल हो गए, क्योंकि वो प्लस का है और ये माइनस का है। तो क्या आ जाएगा यहां पर, इज इक्वल टू 2 cos 2m पाई प्लस 2π/3 अपॉन 3। अब जो है क्या करेंगे कि m इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 cos 2π/9, ठीक है। जब m इज इक्वल टू जीरो तो यहां पे जो है एक x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। और अब दूसरी फाइंड करते हैं, जब m इज इक्वल टू वन तो x की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, 2 cos, यहां पे m इज इक्वल टू वन यानी 2π प्लस 2π/3 और अपॉन 3, ठीक है। यहां पे जो है ये हो जाएगा 2 cos 8π/9, ये हो जाएगा 2 cos 8π/9। फिर जो है m इज इक्वल टू 2 जो है वो पुट कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 cos, यहां पे जो है क्या हो जाएगा 4π प्लस 2π/3 अपॉन 3। तो x इज इक्वल टू 2 cos, ये हो जाएगा यहां पर 14π/9, ठीक है। यहां पे ये अच्छी तरह से लिख लेती हूँ। तो देखिए तीन सॉल्यूशन जो है यहां पे हमको प्राप्त हो गए, इन तीन सॉल्यूशन जो है मिल जाते हैं, एक ये 2π/9 cos 2π/9, दूसरा cos 8π/9 और तीसरा cos 14π/9। तो देखिए किस तरह से हमने विधि तो वही के वही यूज की, लेकिन जो हम लोग ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से जो मल्टीप्लाई करते हैं उसको न लेकर हमने क्या किया, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट फाइंड करने का जो मेथड है, ठीक है, वो यहाँ पे यूज किया और हम लोग जो है सॉल्यूशन लेके आए, ठीक है। तो अब जो है मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल करवाए, यानी कि जिसमें जो है सेकंड टर्म नहीं था। अब जो है मैं ऐसा एग्जाम्पल कराऊंगी कि जिसमें जो है सेकंड टर्म है, ठीक है, सेकंड टर्म है, और उसको निकालना कैसे है सेकंड टर्म को, ठीक है, जो भी सेकंड टर्म होगा उसको निकालना कैसे है, तो वो मेथड हम लोग सीखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग, जिसमें जिस इक्वेशन में जो है हमारे पास, अब वो क्वेश्चन करने के बाद जो है आपके ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन वैसे नहीं पूछे गए, लेकिन फिर भी जो है मैं आपको मेथड जरूर कराऊंगी, क्योंकि आपको आना चाहिए कि अगर सेकंड टर्म होता है हमारे पास है इक्वेशन में दिया हुआ है, तो अब उसको हटाकर और फिर जो है कार्डन मेथड जो है किस तरह से यूज करना है, ठीक है। सबसे पहले जो है हम लोग जानते हैं कि त्रिघात समीकरण यानी कि कौन सी, क्यूबिक इक्वेशन,
ठीक है, जिस जो जनरल फॉर्म जो है क्या होता है कि ए जीरो एक्स क्यूब प्लस 3a1 x² 3a2 x प्लस a3 = 0। ये क्या है इसका व्यापक समीकरण जिसको जनरल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, जनरल इक्वेशन यानी कि व्यापक समीकरण। अब जो है अगर इसके सेकेंड टर्म को हटाना है तो मुझे जो क्या करना होगा, इसके जो भी रूट्स मिलेंगे मुझे उसमें से जो है मैं अगर h जितना नंबर अगर घटा दूं, इसके रूट्स जो भी मिलते हैं अगर उनमें से जो है ये h जितना मैं घटा दूं तो इसको जो है अगर इक्वेशन को मैं ट्रांसफॉर्म कर दूं तो इस इक्वेशन में जो है ये सेकेंड टर्म जो है वो निकल जाए, तो मुझे वो h जो है वो चूज करना है। ये एच जो है ऐसा चूज करना है मुझे कि अगर उसके रूट्स में से मैं एच जितना जो है घटा दूं, वो कैसे घटाना है मैं आपको बताऊं, सिंथेटिक डिवीजन से। ठीक है, तो जो है क्या होगा कि ये जो इक्वेशन मेरी गिवन इक्वेशन है उसमें से सेकंड टर्म जो है वो हट जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये प्रोसीजर करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा थियोरेटिकली लिखा देती हूँ, उसके बाद लिखेंगे कि इसके द्वितीय पद को हटाने के लिए, इसके द्वितीय पद को हटाने के लिए इसके इसके मूलों को एच जितना एच जितना जो है घटाएंगे नहीं, कम करेंगे, एच जितना कम करेंगे। ठीक है, इसके मूलों को जो है क्या करेंगे, एच जितना जो है हम लोग कम करेंगे, यानी एच जितना जो है डिमिनिश करेंगे। ठीक है, डिमिनिश करेंगे जिससे जो है यहाँ पे सेकंड टर्म जो है वो क्या हो जाए, यहाँ पे रिमूव हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, यहाँ पे सेकंड टर्म जो है को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, एच जो है इसके जो रूट्स होंगे उसमें से एच जितना जो है नंबर जो है एच जितना नंबर जो है क्या करेंगे, डिमिनिश करेंगे। तो जो है ये पॉसिबिलिटी है, यानी कि क्या करना होगा हमें, ये करना होगा कि वाई इज इक्वल टू जो है एक्स माइनस एच, यानी कि पूरी इक्वेशन में जो है इस तरह से करना होगा काम हमें। ए जीरो और एक्स माइनस एच, अब यहां पे जो है बदल जाएगा ये, मैं इन शॉर्ट ही लिखती हूँ लेकिन ये मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो आपको दूसरा अच्छी तरह से बताना है। ठीक है, काम ये करना है और हमें क्या फाइंड करना है, ये ए थ्री ए टू और ए वन ए जीरो। ठीक है, ये हमने जो है पहले इक्वेशन ऐसी की भी है कि उसमें से अगर ज्यादा करना हो या घटाना हो इस तरह से, तो जो मेरी ये बनने वाली इक्वेशन जो है कौन सी होगी, बनने वाली इक्वेशन कौन सी होगी, x माइनस एच इज इक्वल टू क्या है, y। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे y प्लस एच हो जाएगी। ठीक है, ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से करना है काम, ये ए जीरो ए थ्री वन थ्री सॉरी ए जीरो थ्री ए वन और थ्री ए टू और ए थ्री जो है इस इक्वेशन के गुणांक है, लेकिन जो ट्रांसफॉर्म होगी उसके जो है गुणांक क्या है वो हमें पता नहीं है, वो हमें पता नहीं है, तो ये काम यहाँ पे नहीं करना है, ये हम लोग कर चुके हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। मेरा पर्पस क्या है, मुझे यहाँ पे एच फाइंड करना है। ठीक है, एच फाइंड करना है, तो जब हम लोग जो है इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो क्या करते हैं कि वो इक्वेशन जो है किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक्स माइनस एच में हो जाती है पूरी की पूरी, जैसे मैंने अभी लिखी थी ना, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन लिखी थी। तो अगर मैं उसको जो है, मैंने क्या कहा था तब भी जो है, मैंने क्या कहा था उसको वाई नाम दिया था। ठीक है, तो एक्स माइनस एच इज इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे वाई प्लस एच हो जाएगी। अब मैं क्या करूंगी, ये वाई प्लस एच जो है हमारी जो दी हुई इक्वेशन में जो है पुट करती हूँ, देखिए किस तरह से आपको आइडिया लगेगा यहाँ पे मैं, और आपको जो है शॉर्ट में क्या याद रखना है वो मैं यहाँ पे बता दूंगी। क्योंकि सीधा ही मैं कह दूं कि h की वैल्यू ये ले लो तो भाई ये h की वैल्यू कहां से आई, ये तो हमें पता ही नहीं है h की वैल्यू कहां से आई। तो अब जो है इस इक्वेशन को जो है हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो ये a0 सॉरी
सबसे पहला टर्म जो है वाई क्यूब आता है, ठीक है, फिर जो है यहाँ पे थ्री कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा ए जीरो एच प्लस ए वन आएगा और जिसके साथ जो है वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है। फिर तीसरे टर्म में भी थ्री जो है कॉमन है, देखिए मैं सीधा डायरेक्ट लिखी क्योंकि मुझे पता है इसके क्या आने चाहिए, ए जीरो एच स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा टू टू ए वन एच और यहाँ पे आ जाएगा ए टू, ए जीरो एच स्क्वायर टू ए एच और प्लस जो है ए टू और इसके साथ आ जाएगा वाई। और दूसरा टर्म जो है यहाँ पे ये आएगा ए जीरो ये एच क्यूब थ्री ए वन एच स्क्वायर थ्री ए टू एच और फिर जो है यहाँ पे आ जाएगा लास्ट ए थ्री इज इक्वल टू जीरो। ये भी मैंने आइडिया से लिखे हाँ, ये मैं अब नोट्स में नहीं, मुझे मालूम है कि अगर गुणा करूंगी तो उसके बाद जो है ये टर्म्स आएंगे। तो पहले पद में देखो ए जीरो एच प्लस ए वन है, फिर दूसरे में देखो एच स्क्वायर प्लस एच यहाँ पे वन, फिर एच क्यूब फिर एच स्क्वायर फिर एच और गुणांक भी जो है उसी तरह से आ रहे हैं, वहां पे टू आ रहा है तो यहाँ पे सब में थ्री आएगा, लेकिन उससे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तो इससे लेना देना है। अब ये टर्म जो है इस इक्वेशन में नहीं होना चाहिए, कौन सा ये वाला, क्योंकि अगर मैंने इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, मैंने वाई लिख दिया और इस इक्वेशन को जो ट्रांसफॉर्म कर दिया है, इसका मतलब क्या है कि ये थ्री और ए जीरो एच प्लस ए वन जो है वो क्या होना चाहिए, डेफिनेटली जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे सेकंड टर्म को जो है हटाना है, सेकंड टर्म को हटाना है, तो अगर मैं ट्रांसफॉर्म करती हूँ इक्वेशन को तो ये जो है टर्म इसके अंदर नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ए जीरो एच प्लस ए वन जो है जीरो होना चाहिए, यानी ए जीरो एच प्लस ए वन इज इक्वल टू जीरो, यानी एच की वैल्यू हो जाएगी माइनस ए वन अपॉन ए जीरो, माइनस ए वन अपॉन ए जीरो। तो अब ये एच डिसाइड हो गया, पहले डिसाइड नहीं था, लेकिन एच जो है वो कौन सा होना चाहिए, एच जो है इस तरह से होना चाहिए कि अगर मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन ये है, अगर मेरे पास ये क्यूबिक इक्वेशन है तो मैं क्या करूंगी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट देखूंगी क्या है, उसमें से ए वन फाइंड करूंगी, फिर एक्स क्यूब का जो देखूंगी कि कोफिशियंट क्या है उसको इससे डिवाइड करूंगी, आगे नेगेटिव साइन, तो ये मेरा बन जाएगा ये एच। क्या होगा, एच की वैल्यू क्या है, माइनस ए वन अपॉन ए जीरो, कौन सी है, माइनस नीचे वाले, क्या होगा कि माइनस ए वन अपॉन ए जीरो। अब क्या याद रखना है आपको, अब ये पूरा तो प्रोसीजर आपको याद नहीं रखना, ये तो मैंने आपको समझाया कि भी ऐसे ऐसे आया है, आपको ये याद रखना है कि जो भी आपकी क्यूबिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण होगी उसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखने के बाद जो है उसमें ए वन फाइंड करना है और एक्स क्यूब का गुणांक क्या है वो देखना है, फिर ए वन अपॉन ए जीरो करना है और एच की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। और ये क्वेश्चन में जो है किस तरह से करेंगे, चलिए आगे हम लोग करते हैं। मेरे पास है ऐसे क्वेश्चन जो है कम ही पूछे गए हैं, लेकिन जो है फिर भी आपको प्रोसीजर सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आ जाए तो उसका सॉल्यूशन जो है आपको कैसे देना है। तो चलिए पहले मैं इक्वेशन लिखती हूँ और हम लोग एच डिसाइड कर लेते हैं कि एच की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन ये है, एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस थर्टी टू इज इक्वल टू जीरो। तो चलिए कंपेयर कर दें, हमें तो क्या चाहिए, इन दोनों का चाहिए, तो ए जीरो इज इक्वल टू कितना है वन और थ्री ए वन इज इक्वल टू कितना है सिक्स,
यानी a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, a1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2, कितनी हो जाएगी 2, तो h की वैल्यू जो है क्या है, माइनस a1 अपॉन a0, तो ये हो जाएगा -2/1 यानी कि -2। यानी अब यहाँ पे पता है क्या है कि उसके मूलों में जो है यानी उसके रूट्स को जो है क्या करना है, 2 जितना जो है बढ़ाएंगे, ठीक है, यानी कि इंक्रीज बाय 2 करेंगे तभी जो है हमारे सेकंड टर्म जो है वो रिमूव होगा। तो चलिए अब इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म किस तरह से करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन से। तो सबसे पहले कोफिशिएंट लिख लेते हैं इसके, और -2 से इसका सिंथेटिक डिवीजन करते हैं। क्या करते हैं, पहले यहाँ पे जीरो लगाएंगे तो 1 + 0 1 हो जाएगा, ठीक है, इस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं -2 से, तो यहाँ पे 6 - 2 4 हो जाएगा, फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा आपके 8, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -20। इस 20 को, -20 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपके 40, तो ये आ जाएगा 72, और इसको नाम देंगे हम लोग A3, इसको नाम देंगे क्या, A3। फिर जो है -2 से करते हैं 0, ये 1, ये -2 2, ये हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा -24, इसको नाम देंगे हम लोग A2, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं A2। फिर से जो है -2 से करते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो आ गया 0, ये आ गया A1। तो देखिए ये सेकंड टर्म का कोफिशिएंट जो है वो क्या आ गया यहाँ पे 0, और ये है क्या है आपका A0, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपकी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन जो है वो कौन सी हो जाएगी, वो ये हो जाएगी। चलिए मैं लिखती हूँ, अब ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन लिखती हूँ। देयरफॉर रूपांतरित समीकरण A0 x + 2 का क्यूब A1 x + 2 का स्क्वायर प्लस A2 x + 2 प्लस A3 = 0। तो x + 2 = हम लोग मान लेंगे y, ठीक है, इसको मान लेंगे y, या हम लोग जो है z मान लेते हैं क्योंकि हम लोग कार्टन विधि कर रहे हैं, तो इसको z मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा z, तो A0 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा z³। A1 की वैल्यू कितनी है 0, गया। फिर A2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, माइनस, ये हो जाएगा A2 की वैल्यू यहाँ पे -24, ये आ जाएगा z, और A3 की वैल्यू यहाँ पे 72 = 0। अब देखिए z³ - 24z + 72 = 0। तो सबसे पहले क्या करना है, z = u³/3 और v³/3 जो है इसका एक मूल है, ये हमें मानना है। चलिए कर लेते हैं, z = जो है u³/3। अब मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिखती हूँ, सीधा ही ले रही हूँ क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया कि क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, और उसका जो है क्यूब कर रही हूं यहां पर, क्योंकि ये भी आपको पता ही है कि किस तरह से हम लोग करते हैं। क्यूब के लिए मैंने फॉर्मूला भी लिखा है, तो z³ ये आ जाएगा -3 u³/3 v³/3 z, और -u+v = 0, ठीक है, ये हो गया। अब जो है कंपेयर कर लेंगे, जो हमारी इक्वेशन हमने फाइंड की है उसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो चलिए कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखा था जिसमें पूरी मैंने लैंग्वेज लिखी थी कि किस तरह से क्या लिखना है, कहाँ क्या करना है, तो अब जो है कंपैरिजन करते हैं। तो ये जो आता है -24, तो u³/3 और v³/3 = आ जाएगा कितना, 8, ठीक है, और 8 का जो है यहाँ पे हो जाएगा u·v = 5·12, और -u+v की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये +72 लिखी हुई, तो ये हो जाएगा 72। अब एक ऐसी जो है इक्वेशन है
द्विघात समीकरण है जिसके मूल क्या है, u और v, तो t स्क्वायर माइनस यू प्लस वी टी और u इंटू वी इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर और प्लस 72 t, क्योंकि माइनस में आ जाएगा, सॉरी u प्लस वी इज इक्वल टू माइनस 72 लिख देती हूँ, ठीक है, तो ये 72 प्लस आ जाएगा और u इंटू वी 512 है ही। हाँ, इसके फैक्टर जो है इजी है, 8 है, 8 एंड 64, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है सारे फाइंड करके रखे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 8 एंड 64, तो ये हो जाएगा t प्लस 64 और t प्लस 64 और t प्लस 8 इज इक्वल टू जीरो, यानी u की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 64 और v की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर माइनस, माइनस में आएंगे दोनों, तो u की पावर 1/3 इज इक्वल टू माइनस 4 और v की पावर 1/3 इज इक्वल टू माइनस 2। अब आगे क्या करना है काम, ये आपको पता ही है, मैंने u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 निकाल के दे दिया है। अब क्या करोगे, पहले इन दोनों को ऐड करोगे तो एक जो है रूट क्या आ जाएगा, माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 6 आ जाएगा, और दूसरा रूट जो है मैं आपको बता रही हूँ कौन से हैं, 3 प्लस माइनस आयोटा रूट 3, ठीक है, 3 प्लस माइनस आयोटा रूट 3, वो कैसे फाइंड करने हैं आपको पता ही है, ठीक है, मैंने आपको मेथड बता दिया है कि किस तरह से ओमेगा से एक और ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके आपको फाइंड करने हैं।